इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं किस्मत नंद जी, सराईपाली विधानसभा से प्रत्याशी हैं। किस्मत जी, क्या कारण है डीएसपी के पद को छोड़कर आप यहाँ राजनीति में आए हैं? नहीं देखिए, कोई भी आईपीएस आईएएस या जो भी वरिष्ठ अधिकारी हो, उसको शासन की मंशा के अनुरूप काम करना होता है और वो जनता से जुड़ करके जनता जो चाहती है वो नहीं कर सकता। मैंने डायरेक्ट जनता से जुड़ कर उनकी भलाई और उनके सुख दुख दर्द में साथ देने के लिए मैंने नौकरी छोड़ा है। कैसा आपको यहाँ जनता के बीच जाकर लग रहा है? एक प्रशासनिक सेवा छोड़ने के बाद कितना मुश्किल हो रहा है जनता से मेल मिलाप कर पाना, या कितना आसान है? अभी जो मैं 322 गांव का दौरा कर चुका हूं, उसमें मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैं कभी नौकरी में था या मैं कभी पुलिस विभाग में था। मुझको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पिछले 20 सालों से राजनेता था, क्योंकि लोगों का उत्साह बिल्कुल देखते ही बन रहा है और निश्चित रूप से हमारी कांग्रेस की सरकार बनी। तो किन किन मुद्दों को लेकर अभी आप जनता के बीच जा रहे हैं? अभी किसानों का मुद्दा है हमारे लिए सबसे बड़ी मुद्दा। हम किसान के मुद्दे को लेकर के उनके सामने जा रहे हैं, और बिजली की समस्या है, इसके स्वास्थ्य है, महिलाओं का है, महिला स्व सहायता समूह का है, दलितों का है, आदिवासियों का है, चावल वाली समस्या है, ये बहुत सारी समस्याओं को लेकर के हम लोग जनता के सामने जा रहे हैं।